हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निदा और आप देख रहे हैं ब्यूटी सीक्रेट्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक बहुत अमेजिंग हेयर मास्क। हेयर मास्क हमारे बालों की हेल्दी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बालों का मॉइस्चर डिफरेंट किस्म के केमिकल्स के इस्तेमाल की वजह से खत्म हो जाता है। कैरेटिन ट्रीटमेंट्स और हीट एप्लीकेशंस की वजह से हमारे बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं और इस वजह से हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी हो जाता है। आज मैं आपके साथ बनाना हेयर मास्क शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। बनाना हेयर मास्क बालों के लिए बहुत अमेजिंग मिरेकल मास्क है। ये बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के साथ साथ बालों को नरिश भी करता है। हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। बनाना में एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटाशियम और दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बनाना हमारी स्किन को शाइन और ग्लो देता है, बिल्कुल इसी तरह ये बालों में शाइन एंड ग्लो पैदा करता है। और जब बनाना को दही और शहद के साथ कंबाइन करेंगे तो इसके बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हेयर मास्क। सबसे पहले आपको चाहिए एक बनाना। आप अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग दो बनाना भी यूज कर सकते हैं। बनाना को पील ऑफ करने के बाद एक ब्लेंडर में डाल लें। इसके बाद 2 टेबलस्पून दही ऐड करें और 2 टेबलस्पून शहद ऐड करें। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। आपको एक बहुत स्मूथ पेस्ट चाहिए। मेक श्योर कर लें कि बनाना अच्छी तरह ब्लेंड हो गया है। तमाम चीजों को ब्लेंड करने के बाद इस मिक्सचर को स्ट्रेन कर लें ताकि हमारे पास एक फाइन पेस्ट बन जाए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई और फ्रिजी हैं, तो 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल भी ऐड करें। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको अप्लाई करने के लिए आप बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लें। अब स्कैल्प एरिया से स्टार्ट करके बालों के एंड्स तक अच्छी तरह अप्लाई करें। हेयर मास्क को अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद अपने बालों को टाई कर लें और शार्क कैप से कवर कर लें। इस हेयर मास्क को 2 से 3 घंटे के लिए अपने बालों में छोड़ें और फिर किसी भी शैम्पू और कंडीशनर से वॉश कर लें। आपको इसके फर्स्ट यूज में ही बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इस हेयर मास्क के रेगुलर इस्तेमाल से आपको किसी भी केराटिन या हेयर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हफ्ते में 2 बार जरूर इस्तेमाल करें। ये आपके बालों को एक्स्ट्रा शाइन प्रोवाइड करता है। इस मास्क में शहद का इस्तेमाल किया गया है जो ना सिर्फ आपके बालों को मॉइस्चर देता है बल्कि आपके बालों की डलनेस और फ्रिजनेस को खत्म करता है। शहद आपके बालों में बहुत अमेजिंग काम करता है। ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके स्कैल्प पर हर किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, चाहे वो डेंड्रफ हो या एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसी तरह दही का इस्तेमाल भी आपके बालों में डलनेस और फ्रिजनेस को खत्म करता है और इसके साथ साथ आपके बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी आपके बालों को शाइन देते हैं। शहद और दही का कॉम्बिनेशन आपके बालों पर कंडीशनर का काम करता है और इसके बाद कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल आपके बालों की ड्राइनेस को खत्म करता है। तो ये हेयर मास्क आपके बालों के लिए बहुत जबरदस्त है, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।